हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आज एग्जाम हो चुका है पेपर फर्स्ट का। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अनऑफिशियल आंसर की के बारे में। हम लोगों ने दो पेपर डिस्कस किए थे, क्योंकि हम लोग लेट जुड़े थे इसलिए हम लोग कम पेपर डिस्कस कर पाए थे। लेकिन अब हम पूरा CDP का सेक्शन आज के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आपका कितना सही हुआ। आप लोग 30 में से अपने मार्क्स जरूर काउंट कीजिएगा। ओके, बाकी अभी हम लोग ऐसे आंसर्स देखते हैं, और ऑफिशियल आंसर की आपकी 15 दिन बाद आएगी, फिर आप लोग ऑफिशियली चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम CDP वाला सेक्शन आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, आप सभी को पता है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, और यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। ये देखिए, मैंने जब आपको सेट सॉल्व करवाया था CDP वाला, तो मैंने सेम एग्जाम्पल आपको दिया था, जेंडर स्टेरियोटाइप में, जेंडर रूढ़िवादिता में आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई कोई अगर लड़का रोने लगता है, तो ऐसे मान्यता पहले से चली आ रही है कि लोग ऐसे कहते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, मर्द हो तुम तो तुम क्यों रो रहे हो। मैंने बताया था कि लड़कों को भी दिल होता है ना, वो भी तो रो सकते हैं। सेम चीज़ आपसे यहाँ पे पूछ दी गई है कि रोहन रोने लगा तो उसके पापा कह रहे हैं कि भाई लड़कियों की तरह रिएक्ट मत करो। तो पिता का यह कथन किस पे आपका शो करेगा, क्या शो करेगा? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर इसको चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है। भेदभाव को तो बढ़ावा ही दे रहा है ना, यहाँ पे भेदभाव की बात ही नहीं कर रहे कोई। ऐसे लड़के रो क्यों नहीं सकते, है ना, ये तो पहले से मान्यता चली आ रही है ना। तो इसलिए आपका क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, जेंडर स्टीरियोटाइप। आई होप आप सबका क्वेश्चन ये सही गया होगा, अगर आपने सेशन देखा होगा। ठीक है, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपसे क्या पूछा गया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। इससे भी मिलता जुलता हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, देखिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब नहीं करना चाहिए ना, हम लोगों को डायवर्जन तरीके से चीज़ों को सॉल्व कराना चाहिए। तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। सीधा सा ऑप्शन हमारा यही जा रहा है कि भाई बच्चों को क्या, आप ढेर सारे मौके प्रदान करवाइए ना, जिससे वो सीख सकें। ठीक है, और हमारी प्रगतिशील शिक्षा भी यही कहती है, जिसके बारे में किसने बात की थी, जॉन डीवी ने की थी। हमने बताया ही था आपको, लर्निंग बाय डूइंग का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि बच्चे करके सीखें। तो उससे रिलेटेड हमारा ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है, तो सेकंड का आपका 3 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, ये भी देखिए आपसे मैंने सेम, मतलब हाँ मेरी लैंग्वेज चेंज थी, लेकिन सेम मेरा मीनिंग यही था कि भाई अगर मैं किसी चीज़, कोई काम को कर रही हूँ, कोई सवाल सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं आ रहा, अगर मेरे टीचर आके मुझे उसमें हिंट दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए किसका काम करेंगे, स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा का काम करेंगे। ठीक है, सेम आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कोई अध्यापिका या बच्चों को संकेत और इशारे से, भाई छात्र संघर्ष कर रहे हैं उस वक्त, तो जो कोई टीचर है वो बच्चों को संकेत और इशारे से समझाती कि क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, तो फिर प्रदान करने का फैसला लेती है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है? तो ऑप्शन अब हम देखेंगे, अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या फिर पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में आपसे सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है, समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? आप सभी को मैंने मतलब पिछले ही सेट में करवाया था कि भाई हमारा सेकेंडरी एजेंसी कौन थी सोशलाइजेशन की, स्कूल था। ठीक है, स्कूल हमारा सेकेंडरी एजेंसी था, और फर्स्ट हमने क्या बताया था आपको, फैमिली, क्योंकि बच्चा जब भी बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले कहाँ से सीखना शुरू करता है, अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। इसलिए आपका प्राइमरी एजेंसी क्या रहती है, प्राइमरी हमारी रहती है क्या, फैमिली, परिवार, समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, और विद्यालय द्वितीय कारक है। सीधा सा आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, पिछले ही सेट से आपके 4 क्वेश्चन अभी तक मिल गए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में भी आपको मैंने गार्डनर का सिद्धांत बताया था, जिसमें बताया था मैंने बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, अगर आप सभी को याद होगा तो। देखिए सेम क्वेश्चन आया है, बुद्धि का सिद्धांत जोर देता है क्या, IQ लेवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा मापी जा सकती है, ये तो कोई बात नहीं होती ना।
ठीक है। तो दूसरा क्या है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी कोई बात नहीं होती। अब अगर मुझे मैथ अच्छा आता है तो जरूरी नहीं है ना कि मुझे और भी सब्जेक्ट सेम तरीके से या सेम लेवल पे अच्छे आते होंगे, ठीक है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यही हमारा ऑप्शन जाएगा चौथा। हम देखते हैं क्या कह रहा है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ये तो भाई कोई बात नहीं होती ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में पाए जाते हैं। किसी की मैथ्स अच्छी है तो किसी की इंग्लिश अच्छी है, या फिर किसी की CDP अच्छी है तो किसी की हिंदी अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए आपका फिफ्थ का थर्ड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की। सिक्स में आपसे कोलवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको कोलवर्क से भी क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने हिंस की डिलेमा का एग्जाम्पल भी आपको दिया था, ठीक है। देखिए अब हाँ, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है लेकिन आसपास ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो लॉरेंस कोलवर्क के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, ठीक है। तो ये प्री कन्वेंशनल, या फिर कन्वेंशनल, या पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर फॉर्मर कन्वेंशनल, मतलब प्रथा पूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। ये तो कोई मतलब लॉरेंस कोलवर्क की कोई कोई स्टेज है ही नहीं। इन्होंने तीन स्टेजेस और तीन में दो दो स्टेजेस की और बात की थी, तो इसलिए हमारा ये सेकंड स्टेज में आता है कि भाई कोई कार्य इसलिए करिए क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति दे रहे हैं या फिर अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेज हमारी कौन सी, कन्वेंशनल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रथागत, ठीक है। तो सिक्स का आपका सेकेंड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की। देखिए सेवन में आपसे क्या पूछा गया है, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आया है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, गार्डनर, इन सब के क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। मैंने दो ही सेट सॉल्व करवाए थे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करवा पाई थी मैं क्योंकि आप लोगों से लेट जुड़ी थी, ठीक है। तो इसमें क्या आपसे पूछा गया कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या फिर अधिगम प्रक्रिया में किस महत्व को जोर देते हैं, सांस्कृतिक उपकरण, या गुराड़ोपण, या फिर अभिप्रेरणा, या फिर संतुलीकरण, ठीक है। देखिए इनकी थ्योरी ही हमने आपको बताया था कि सोशियो कल्चरल थ्योरी होती है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी रहती है। तो हमारा यही कल्चरल टूल्स ही तो ऑप्शन में आंसर में चला जाएगा, कल्चरल टूल्स, ओके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सेवेंथ का फर्स्ट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की। देखिए पियाजे से क्वेश्चन आपका आ गया है, पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, या फिर विकास का समीपक क्षेत्र, या फिर स्कीमा। अगर आप सभी को याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि भाई पियाजे ने किसकी बात की, स्कीमा की बात की। स्कीमा में क्या रहते हैं, आपके पैकेट्स रहते हैं, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप मुझे कहीं और देख के ये जान पा रहे हैं कि हाँ यही दीप्ति मैम है जो CDP पढ़ाती हैं, तो आपके माइंड में इसका स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपकी ये पैकेट्स, इंफॉर्मेशन पैकेट्स में स्टोर है कि भाई यही दीप्ति मैम है, ठीक है। तो स्कीमा की बात किसने की थी, जीन पियाजे ने, हमने आपको बताया अभी था, ठीक है। तो एट का आपका फोर सही हो जाएगा। यहाँ से आई होप आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर से जीन पियाजे से क्वेश्चन आया आपका, पूछा क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ठीक है। पहला अमूर्त सोच का विकास, या फिर सोच में केंद्रीकरण, या फिर निगमनात्मक सोच, या फिर संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये वाला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछी गई है। लेकिन ये वाली जो अमूर्त सोच का विकास है, ये आपकी इससे बाद वाली स्टेज में आता है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो केंद्रीकरण आपका आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो नाइन्थ का आपका यहाँ से सेकंड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की। टेन में आपसे क्या पूछा गया है, डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभा के लिए समान होती है, ये तो कोई बात नहीं होती। अगर डेवलपमेंट सेम तरीके से चलेगा, फिर जैसे आप कई बार मार्केट जाते होंगे या बाजार जाते होंगे, आप देखते होंगे कि ऐसे बच्चे छोटे छोटे कहीं गुब्बारे बेचते रहते हैं या फिर कहीं कुछ और, तो फिर अगर विकास सेम रहता तो फिर वो भी एक उसी तरीके से विकसित हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये कोई बात नहीं है। विकास का एनवायरनमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया भी था कि एक बच्चा है जो गांव में रहता है और एक बच्चा जो है जो शहर में रहता है, तो दोनों का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, ठीक है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको ढंग से बताया था कि विकास कहाँ से कहाँ तक जाता है,
वोम्ब टू टूम्ब जाता है, गर्भ से कब्र तक जाता है, ठीक है, गर्भ से कब्र तक जाता है। जब आप क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ही आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो बच्चा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर, तो टेंथ का आपका फोर सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में आपसे क्या पूछा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड लगा के काम किया होगा तो ऑप्शन क्वेश्चन आपका गलत नहीं गया होगा। पहला ऑप्शन सांवेगिक, मूर्त और अमूर्त। देखिए कोई बच्चा छोटा रहता है, सबसे पहले किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, भाई वो टच करके ही तो चीज़ों को सीखता है, सेंसेस के माध्यम से ही चीज़ों को सीखता है। अब वो कहीं आग जल रही है तो वो नहीं जान पाएगा ना कि ये आग है, जब तक वो उससे एक बार जल नहीं जाएगा या टच नहीं कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले सांवेगिक, फिर मूर्त और फिर अमूर्त, यही आपका ये क्रम चलता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही हो जाएगा, तो 11th का फर्स्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 से आपसे क्या पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए मतलब किस प्रकार देखा जाना चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया में एक बाधा, ये तो कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके सभी में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये लर्निंग में बाधा हो गई, ये तो कोई बात नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, बिल्कुल गलत। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ऐसे भी कोई बात नहीं है। चौथा क्या है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो 12th का आपका 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में आपसे क्या पूछा गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पे बात की गई है कि क्या जोर देना चाहिए, ठीक है। तो प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, या फिर अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, ठीक है, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव। अलगाव की बात हम करते नहीं थे, हमने आपको ढंग से बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सेग्रीगेशन, अलगाव, विभेदीकरण, इन सब पे बात नहीं करनी है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने आपको एक एग्जाम्पल दे के भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि कोई बच्चा है जो मतलब पढ़ने में कम अच्छा है, मान लीजिए ये हैं, ठीक है, और जो अच्छे हैं वो ये हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं है कि ये लोग अलग अलग बैठे हैं, इनको एक साथ बिठा के शिक्षा देनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये कुछ इनसे सीख सकें या फिर ये कुछ इनसे सीख सकें। इसलिए आपका 13 का 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 आपसे क्या कहता है, 14 आपसे कहता है कि ये देखिए मतलब आपकी समझ का ही आंसर है, कुछ नहीं है इसमें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार क्या पूछा है कि किस शब्दावली का उपयुक्त प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। मंदित छात्र, या फिर विकलांग छात्र, या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका असक्त शरीर है, मतलब लैंग्वेज आप किस तरीके की यूज़ कर सकते हैं जो कि डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका एक ही आंसर यहाँ पे सही जाता है कि स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है, आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए कि उन्हें भी बुरा ना लगे, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ से एबिलिटीज, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में आपसे क्या पूछा गया है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहला, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, या फिर संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, या फिर व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता बनाना, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। देखिए मैंने आपको बताया कि रिजिड तरीके से आपको शिक्षा नहीं देनी है, ठीक है, आपको बहुत ही एक बेटर वे में, एक आसान तरीके से आपको शिक्षा देनी है। इसमें जटिल वर्ड आ गया, ऑब्वियसली ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही जाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 आपसे क्या कहता है कि सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है, कम परिज्ञानता, या फिर बोधगम्यता, या फिर अपसारी चिंतन, या फिर अति सक्रियता, या फिर असतर्कता, ठीक है, अपसारी चिंतन, ठीक है, आप सभी को पता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया था पिछला, जब आपको सेट सॉल्व करवाया था तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन था नजमा से रिलेटेड जो भी था, ठीक है, तो उसमें
बताया गया था कि वो जो लड़की है वो एक क्वेश्चन के कई सॉल्यूशन देख सकती है जो कि बेटर थे, अच्छे थे, ठीक है। तो उसको क्या कहा था हम लोगों ने, भाई वो उसकी थिंकिंग कैसी होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। वो एक चीज के बारे में अगर 10 सॉल्यूशन सोच रही है तो डाइवर्जेंट तरीके से सोच रही है, ठीक है। और सृजनात्मकता, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, सृजनात्मक बच्चे कहते हैं, जो कि एक एक प्रॉब्लम 10 सॉल्यूशन। इसलिए आपका अपसारी चिंतन यहाँ पे सही हो जाएगा, 16 का सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले की, क्वेश्चन नंबर 17। 17 आपसे क्या पूछा है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि से बालक आए हैं, ठीक है, तो उनके साथ उसको क्या करना चाहिए। देखिए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई। विविध पृष्ठभूमि से अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं तो ऐसा तो नहीं, हम बात टाल तो नहीं सकते। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, सही बात है, कहीं ना कहीं काफी हद तक सही है। आगे देखते हैं क्या कहता है। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं होती। जब आप ऐसे सेम चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फिर ये जो अलग अलग जगह से बच्चे आए, ये चीज़ों को कैसे सीख पाएंगे। हो सकता है कि किसी की लैंग्वेज ही चेंज हो या फिर कुछ और ही चेंज हो, तो फिर आपको मानकीकृत आकलन से कोई काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चौथा क्या है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, मतलब यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। तो ये भी गलत हो गया, ये भी और ये भी। तो एक आपका सही गया, कौन सा, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। देखो, डर की भावना तो उनमें हमें कभी पैदा नहीं करनी, पहली बात, आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अटल प्रक्रिया, ठीक है, अटल मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रोसेस नहीं यूज़ करनी, आप सभी को पता है। लगातार अभ्यास, रोट लर्निंग नहीं देनी, आप सभी को पता है था कि भाई हमको उनको मशीन नहीं बनाना है, ठीक है, उनको समझाना है, सिखाना है। इसलिए आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा एक सही बचा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो 18 का आपका यहाँ से थर्ड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 आपसे क्या कह रहा है कि अधिगम में अभिप्रेरणा को, या फिर मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन कैसे आप कायम रखोगे बताओ भाई। मोटिवेशन की बात की है, दंड देकर, ये तो कोई बात नहीं होती। जब दंड दोगे तो बच्चे पहले से ही स्कूल छोड़ के भाग जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर प्रवीणता, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये तो कोई बात नहीं, मतलब जो अच्छे हैं उन्हीं को आप ऐसे इनकरेज किए जा रहे हैं, जो अच्छे नहीं हैं उनके साथ क्या करेंगे। ये भी गलत हो गया आपका। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, जब आसान ही दे देंगे तो उनमें मोटिवेशन बचेगा ही नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, देखो ऑप्शंस के तरीके से जाएंगे, हालांकि ये आसान तरीके से नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपका ऑप्शन कोई सही नहीं है, ठीक है। यंत्रवत तरीके से जो याद भी नहीं करवा सकते हम बच्चों को, तो भाई एक ही ऑप्शन तो हमारा बेटर यहाँ पे बच रहा है, कौन सा, एक आपका कौन सा बच रहा है, ऑब्वियसली एक ही हमारा ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, बच्चों को आसान क्रियाकलाप देकर, बाकी आपके कोई बचे नहीं रहे, इसलिए हम थर्ड के साथ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इससे अच्छा कोई ऑप्शन होता तो हम उसके साथ जाते, इसको छोड़कर, ठीक है। तो 19 का आपका थर्ड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में आपसे क्या पूछा है, शर्मिंदगी या शेम के बारे में। क्या भाई है? क्या कहता है ये क्वेश्चन कि शर्मिंदगी आगे का ज्ञान संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा है ऐसे शर्मीला सा बैठा रहता है, तो फिर जो शर्मीला नहीं है, या फिर जो चीज़ों को अच्छे तरीके से बोल लेता है, तो वो उससे आगे तो नहीं जा पाएगा ना। तो संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो गलत हो गया हमारा। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो जो बेसिकली कम शर्माता है, या फिर ऐसे अच्छे से बोल लेता है, तो उसका संज्ञान या फिर उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग अच्छे से होगी। भाई कोई टीचर उसको पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर शर्मिंदगी नहीं है, या फिर चीज़ों को वो बोल ले रहा है, तो फिर वो टीचर से 10 सवाल पूछने के लिए हमेशा हमेशा ही प्रेरित रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ये बच्चा होगा वो नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी शेमफुल है, ठीक है। तो इसका आपका 20 का सेकंड सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 आपसे कहता है कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, याद नहीं करवाना है, आप सभी को बताया था, एक ही कीवर्ड से आप ऑप्शन गलत कर सकते हैं।
संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर नकल और दोहराना। बेस्ट, आपको बेस्ट मीडियम पूछा है, देखिए ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना या बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये तो कोई बात नहीं होती भाई, विश्लेषण करके ही तो हम अवलोकन कर पाएंगे ना चीजों को। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ से सही हो जाएगा। 21st का बात करेंगे, 22 की। 22 आपसे कहता है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ठीक है कोई छात्र गलतियां कर रहा है तो टीचर को उसका विश्लेषण कर रही है, एनालिसिस कर रही है, क्यों कर रही है वो, ठीक है, ये आपसे पूछा है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। अच्छा, मतलब 4 गलतियां एक सवाल में कर दी तो 10 डंडे मार दो, ये तो कोई बात नहीं होती, गलत हो गया, दंड नहीं देना है, दंड पे बैन लगाया गया, आप सभी को पता है बच्चे को मार नहीं सकते आप। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था जब भी सेशन लिया था कि भाई गलतियां सब करते हैं, गलतियों से सब सीखते हैं, ऐसा नहीं है बिना गलती के कोई इंसान महान नहीं बना है आज तक, ठीक है। तो आपका 22 का सेकंड सही हो जाएगा। हमने एडिशन वाला एग्जांपल भी दिया था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। बात करेंगे 23 की। 23 में आपसे पूछा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब होती है, सूचना आकलन अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो वो तो अच्छे से सीख पाएंगे ना, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी है सही है, अच्छे से सीख पाएंगे। कठिनाई पूछी है, ठीक है, हमारे सही वाले ऑप्शन गलत होते जाएंगे, आप सभी को पता है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तीनों ऑप्शन हमारे पॉजिटिव हैं इसलिए हमारे तीनों सही हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से तीनों गलत हो जाएंगे, बचेगा एक कि अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बच्चों के सामने पूरी प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो कैसे सीख पाएंगे, और सीखेंगे भी तो बहुत देर में सीख पाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कठिनाई होगी। तो 23 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। 24 की बात करें अगर हम, तो आपसे पूछा गया है कि अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, उच्च उत्तेजना, हाई अराउजल, हाई फियर, निम्न उत्तेजना, या फिर उच्च भय। देखो फियर की बात करेंगे तो फिर कैसे सीख पाएगा, लर्निंग कैसे कर पाएगा, जब उसमें डर ही मतलब हाई फियर होगा तो कैसे सीख पाएगा, तो हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ से गलत हो गए। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। सीखने के लिए आपको हमेशा किसकी ज़रूरत होती है, एक अराउजल की ज़रूरत होती है, इसलिए कोई उत्तेजना नहीं वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मीडियम अराउजल रहेगा, कोई फियर नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। तो 24th के साथ हम किस में जाएंगे, 3rd नंबर पे। बात करेंगे 25th की। 25th आपसे कहता है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। भाई ज्ञान की संरचना हो रही तो ऑब्वियसली बच्चे क्या है, बच्चे, हमने आपको बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा सेंटर में है, और सारी चीज़ें, सारा का सारा जो भी आपका टीचर है या फिर सिस्टम है, सब आपका पेरिफेरी में रहेगा, ठीक है। तो बच्चे की कोई भूमिका नहीं रहती है तो कोई गलत बात है, सीधी सी बात है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं, नहीं रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारी इसकी बात नहीं करती है, इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो 25th का आपका 3rd सही हो जाएगा। बात करेंगे 26th की। 6th में आपसे पूछा गया है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, योग्यता सुधारी है, एबिलिटी को सुधारा जा सकता है, या फिर एबिलिटी फिक्स होती है, या फिर प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर असफलता अनियंत्रित है। ये तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि आप अगर हमेशा चीज को पढ़ रहे हैं और हमेशा फेल ही होते रहेंगे, ठीक है, प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाई कोई चीज़ है आपको एक बार नहीं आ रही, अगर आप 4 बार उसके लिए प्रयास करेंगे तो क्या वो आपको कभी नहीं आएगी, आएगी ना, इसलिए आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। योग्यता अटल है, ये कोई बात नहीं होती, एबिलिटी को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो 26 का आपका 1st सही हो जाएगा। बात करेंगे 27th की। 7th आपसे क्या कहता है कि कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर बारंबार परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद, एक्सप्लोरेशन। सीधी सी बात है भाई, विद्यार्थियों में
संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करनी है तो ये क्या करेंगे बच्चे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। इसलिए आपका फोर्स सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार परीक्षाएं ले लें और बच्चे सीखते रहें और पाठ्य पुस्तक पर भी आधारित नहीं रहेगा, ना आपका ये ऑप्शन जाएगा, इसलिए आपका 27th का फोर्थ जाएगा। बात करेंगे 28th की। 28th में आपसे पूछा गया है कि मतलब देखिए अभी आपको बताते हैं, लैंग्वेज ओनली चेंज है, क्वेश्चन आपका वही पूछा गया है कि साइना स्वयं से बातें कर रही है, ठीक है, किस कार्य पर प्रगति कर सकती है, वो ये सोच रही है पर खुद से बातें कर रही है बोल बोल के, ठीक है। तो वैगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में निम्न दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच क्या कहलाती है, ठीक है, किसके अनुसार, वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, नहीं, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, या आत्मकेंद्रित। पियाजे पूछता तो आत्मकेंद्रित के साथ चले जाते, ईगोसेंट्रिक स्पीच। आपको दोनों सेशन में मैंने बताया था मनोवैज्ञानिक विकार, ये तो कोई बात नहीं है, बच्चा पागल थोड़े ना है अगर खुद से बात कर रहा है। वैगोत्स्की ने तो इसको क्या कहा था, प्राइवेट स्पीच कहा था, लेकिन प्राइवेट स्पीच नहीं है, इसलिए हम सेल्फ रेगुलेशन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो 28 का आपका सेकंड सही हो गया। बात करेंगे 29th की। 29th आपसे क्या पूछता है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए क्या, विद्यार्थियों को नामांकित करना, लेबलिंग, बिल्कुल नहीं भाई, नामांकित तो नहीं करेंगे। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, सेग्रीगेशन भी नहीं करेंगे, विभाजित भी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। चौथा भी देख लेते हैं एक बार कि पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इसमें क्या है, हीन भावना नहीं पैदा करनी, आप सभी को बताया था, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार मैंने आपको बताया था। तो 29 का आपका थर्ड सही हो जाएगा। बात करेंगे 30 क्वेश्चन की, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टफ नहीं आया था जैसा कि हम सब ने सोचा था, ठीक है। इसलिए आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चन यार आ गया है, ठीक है। क्या है, अनुवांशिकता, हेरिडिटी पे जाएगा सिर्फ, बिल्कुल नहीं। आप सभी को मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई एक कोई भी पेरेंट्स हैं उनके दो बच्चे हैं, एक को गांव में डाल दो एक को शहर में डाल दो, दोनों का विकास अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। सिर्फ पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे, ये भी नहीं है। कोई मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आनुवंशिकता या पर्यावरण पर, बिल्कुल नहीं, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, एक बचा हमारा, दोनों की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपको एक मैं एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहूँगी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। अब देखिए विकास कैसे होता है, मान लीजिए हेरिडिटी आपने दो ले ली, इन्वायरमेंट को आपने कुछ नहीं दिया, जीरो दे दिया, तो दो का गुणा जीरो में करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। तो डेवलपमेंट यहाँ से कितना हो गया, जीरो हो गया आपका, मतलब इन्वायरमेंट अगर नहीं दे रहे तो डेवलपमेंट जीरो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, अब हम इन्वायरमेंट को दो दे रहे और हेरिडिटी को कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। तो आपका फिर से जीरो इंटू टू क्या आएगा, जीरो आएगा डी, तो फिर से डेवलपमेंट जीरो आ गया। दोनों का प्रभाव पड़ेगा, अगर आप एक इसको मान लीजिए, अगर इसको दो दे रहे हैं, अगर इसको तीन दे रहे हैं, तो सिक्स आएगा, जो कि डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और आपका 30 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस, और सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही रहे, कितने आपके गलत रहे। होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में मैथ्स या फिर EVS के साथ, ठीक है। मिलते हैं कुछ देर में, तब तक के लिए थैंक यू।